हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 4th का हमारा फर्दर पार्ट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। पूरी कंट्री में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जबकि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई भी डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। बट द प्रेसिडेंट कैनॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें वो अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोएलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन लोकसभा एज अ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, मतलब जो मेजॉरिटी पार्टी जिसको लीडर बनाया है उसे, और द कोएलिशन ऑफ पार्टीज, जब पार्टीज का सबका कोएलिशन या जुड़ाव जो है, सारी पार्टीज जो मिली हुई हैं उनका कोएलिशन जो है, जो कमांड करता है मेजॉरिटी को लोकसभा में, उसे एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी। अगर ऐसा कोई केस है जिसमें कोई भी पार्टी, सिंगल पार्टी या अलायंस नहीं है जिसमें मेजॉरिटी मिला है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो पर्सन को जो मोस्ट लाइकली सिक्योर करता है मेजॉरिटी सपोर्ट को, मतलब मेजॉरिटी सपोर्ट जिसे सबसे ज्यादा मिला है उसे फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। एक फिक्स टेन्योर नहीं होता, मतलब कितना समय के लिए होता है ऐसा फिक्स टेन्योर नहीं होता प्राइम मिनिस्टर के लिए। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोएलिशन। उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, मतलब कितने समय के लिए वो है ये फिक्स नहीं है, इसलिए वो तब तक काम कर सकता है या उनके हाथ में तब तक पावर रहती है जब तक कि वो लीडर है किसी मेजोरिटी पार्टी का या कोएलिशन का। यहाँ पिक्चर के थ्रू में बताया गया, देख सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब कैलकुलेशंस हो रहे हैं आफ्टर इलेक्शंस, और बाकी के जो नेता हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आएगा। After the appointment of the Prime Minister, जब Prime Minister को appoint किया जाता है उसके बाद, the President appoint other minister on the advice of Prime Minister. Prime Minister की advice पर जो President है वो other ministers को भी appoint करते हैं। The ministers are usually from the party or the coalition that has a majority in Lok Sabha. और वो जो ministers को appoint करते हैं वो लोग या तो usually वो party से belong करते हैं या फिर वो coalition से belong करते हैं जहाँ पर majority जिसे मिली है लोकसभा में। The Prime Minister is free to choose ministers as long as they are member of Parliament. और जब तक के Prime Minister member of Parliament, वो ministers जो है member of Parliament है, तब तक Prime Minister free रहता है अपने ministers को चुनने के लिए। Sometimes a person who is not a member of Parliament, कभी कभी वो person जो member of Parliament नहीं है can also become a minister. वो भी minister हो सकता है, मतलब मिनिस्टर को जो चुन रहे हैं वो पार्लियामेंट से होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन ऐसा होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है लेकिन वो मिनिस्टर होता है। बट सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। लेकिन उस इंसान को, मतलब वो इंसान जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है लेकिन उसे मिनिस्टर बनाया गया है, तो उसको एक कंडीशन होती है कि उसे अपने आप को इलेक्ट करके बताना होगा किसी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 6 महीने के अंदर, जब उसे अपॉइंट किया है उसके बाद के 6 महीने के अंदर किसी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसने अपने आप को इलेक्ट करके दिखाना चाहिए, वो आदमी जिससे हमने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था लेकिन फिर भी मिनिस्टर बना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर। ऑल द मिनिस्टर, मतलब सारे मिनिस्टर्स की जो एक कह सकते हैं ग्रुप होता है उसे ही कैबिनेट कहा जाता है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स, और उसके अंदर, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग रैंक्स के। कैबिनेट मिनिस्टर्स are usually top level leaders of the ruling party or parties who are in charge of the major ministries.
कैबिनेट मिनिस्टर्स में, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो उन लोगों का ग्रुप होता है, या टॉप लेवल के जो लीडर्स होते हैं उनका ग्रुप होता है जो रूलिंग पार्टी में लीड कर रहे हैं, या वो पार्टीज में जो इंचार्ज है मेजर मिनिस्ट्रीज की. यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स कब मिलते हैं या कब उनकी मीट होती है, जब किसी चीज का डिसीजन लेना हो इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कैबिनेट दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो कैबिनेट को हम कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर का जो रिंग होता है, या उनके अंदर के जो लोग होते हैं जो किसी चीज का डिसीजन लेना है रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो माना जाते हैं. इट कंप्रेसेस अबाउट 25 मिनिस्टर्स. और ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स में 25 मिनिस्टर्स होते हैं. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, पर्टिकुलर स्टेट के मिनिस्टर्स जो हैं उनके इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज. वो इंचार्ज होते हैं स्मॉलर मिनिस्ट्रीज की, छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज पर काम करने वाले इंचार्ज वहां के होते हैं. दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली वेन स्पेशली इन्वाइटेड. और उन लोगों को तभी अलाउ होता है या पार्टिसिपेट करने की परमिशन होती है कैबिनेट मीटिंग में, जब स्पेशली उन्हें इन्वाइट किया जाता है. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की बात करते हैं, आर अटैच टू एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच टू एंड रिक्वायर टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स. और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं और जरूरत होती है कि वो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के थ्रू. सिंस इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग. और जो कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर मिनिस्टर रोज मिले, मतलब सारे मिनिस्टर्स एक दूसरे से मिले रेगुलरली और हर चीज को डिस्कस करें, तो डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स. और इसीलिए डिसीजंस ये कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं. दैट इज वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और इसीलिए क्यों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बहुत सारी कंट्रीज में माना जाता है या जाना जाता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से. द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम. कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है. द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस. मिनिस्टर्स जो है उनके अलग अलग व्यूज होंगे, अलग अलग ओपिनियंस होंगे, बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट. लेकिन हर किसी को जो भी डिसीजन हुआ है कैबिनेट का उसे ओन अप करना पड़ता है या मानना पड़ता है. नो मिनिस्टर्स कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन कोई भी मिनिस्टर ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं आपने ये जो डिसीजन लिया है ये सही नहीं है इस तरह से, या कोई आप उनको अपोज कर रहे हो, ऐसा आप डायरेक्टली नहीं कर सकते. इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट. जो मतलब भले ही वो किसी अनदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का हो, लेकिन फिर भी कोई भी मिनिस्टर ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता गवर्नमेंट के डिसीजन को. एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज. हर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज होते हैं हु आर सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं. द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजन. सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, जो पर्टिकुलर डिसीजन लेना है उससे रिलेटेड, वो अपने मिनिस्टर्स को बताना, ये काम होता है सेक्रेटरीज का. जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, वो मिनिस्टर्स को बताना ताकि वो डिसीजन ले सकें. द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय अ कैबिनेट सेक्रेटरिएट. कैबिनेट एक टीम है जो असिस्ट करती है, मतलब असिस्ट किया जाता है किसके थ्रू, तो कैबिनेट के भी सेक्रेटरिएट होते हैं उनके थ्रू. एंड दिस इंक्लूड मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट. और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स. और जो मिनिस्ट्रीज के, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के वर्क को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं ये सिविल, सीनियर सिविल सर्वेंट्स. तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ये हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे. आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. थैंक्स लॉट.